student of class 6 and first of all welcome to my peeral. I hope that you are all very well, fit and fine. So today our topic, our lesson is lesson 16. So here beta, open your textbook page number 84. Hurry up. Today we will read lesson 16, page number 84. Hurry up. Okay. Now, lesson 16 and lesson name is the story of writing. Lesson name is the story of writing. The story of writing. Okay. So the story of writing, story kahani, of is a preposition, the is the article, story kahani, of is a preposition, writing tehreer. Okay, tehreer ji kahani, likhat ji kahani beta. So now are you ready beta? Yes. Okay, so let's begin our work. Lesson 16, the story of writing. In lesson 13, lesson sabak tere mein, we talked about how men learn to speak to each other. Sabak tere mein asi galayo. Asi galayo ta maanu kiya sikhan tha ya galayin tha hik besa. Right? Sometimes, kadein, however, jetonika, they wanted to send messages to others far away. Jekane uwe chayin tha pegam moklen to others bianda far pare away tamam pare. Jekane ko manu putu uwe chayin tha panja pegam bianda hi pare pochayin lai. One way was by beating drums. Hik tariko ho putra. कड़ो बीटिंग पुट वजाइंदे दुल्हन के वजाइण जो माना मैसेज के पहुंचाइंदा हुआ वे मानो ड्रम वगैरह के वजाइंदा हुआ त ओ तांजा मानो समझी विंदा हुआ त को पैगाम आए हन छा तो चवे व्हिच कुड बी हियर्ड एट अ डिस्टेंस यो बुद्धि सकजे पयो मुफासले ते दिस इज स्टिल डन इन अफ्रीका यो आए अन्या ताई किथे थिंदा है पर अफ्रीका में अफ्रीका में छा हों कें तई पैगाम मतलब वो एरिया वो सिटी वो एराजी हों उत को पैगाम पहुँचा चाहिए तो उत कुटो ड्रम्स हों के बीट कीट कजाइंदा मू उन ड्रम्स की बीटिंग बुधी वो समझंदा तो यो असो पैगाम है वो कड़ो पैगाम वो अज ढी काथे तो थो पुट अफ्रीका में इन मेनी कंट्रीज केतर ही मुल्क में फायर्स वर लिट एट नाइट ऑन हिल्स माना केतर ही मुल्क में बाह बारी वन थी रात जो टकरीन की चोटी से पुट जबल हूँ पुट केतर मुल्क में वन वन जबल के मथा चोटी से बाह बारी वी है यो हों एक पैगाम मोकलने जो वे है दे कुड बी सीन एट अ ग्रेट डिस्टेंस वह ऐसी सकते थी पुट तमाम परे मुफासिले ती बा पुट आई मथे चोटी से किथे न किथे जरूर दिसण वेंदी दे वर कॉल्ड बीकॉन्स जैं उहे सडींदा हुआ बीकॉन्स रोशन मुनारो एंड दे गेव द वार्निंग ऑफ डेंजर फ्रॉम एन एनिमी वार्निंग पुट माना खतरे जो इतला करण आगाही करण कें खतरे की माना वो जडे केतरे मुल्क में जबलन की टकरियन ते पुट चोटिन ते शाथी बारी वने बाय जेका माना वान कई थी वने तो को खतरो आए पुट दुश्मन का ओके द इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंडिया उत्तर अमेरिका जा इंडियंस सेंट स्मोक सिग्नल्स मोकलिन था माना दूहे वारा इशारा सिग्नल्स दे वर मेड बाय ब्लोइंग अ ब्लैंकेट ओवर अ फायर उहे ठाहींदा हुआ माना ब्लैंकेट कंबल के ओड़े वेड़े सेड़े उनके बाय डे उनके विसा उन मां दूहों पुट दिसो पुट अफ्रीका में शा कंदा आहिनि बीटिंग ड्रम्स ऐं केतिरे मुल्कनि में हिल्स ते बाय बारी वेंदी आहे उहा वार्निंग कंदा आहिनि माना वार्निंग ॾींदी वेंदी आहे त दुश्मन खां को ख़तरो आहे
ऐं इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका वा छा कंदा स्मोक सिग्नल्स वो कि पुट ब्रेन कैन के वेयर कर उनके बाहि ींदा सिग्नल उन मां धुओं निकरंदो आहे. The North American Indians also send messages to each other by drawing picture. माना the North American Indian पिण पैगाम मोकिलन था एक बेदा by drawing pictures माना तस्वीरों कढ़ंदी. These pictures were easy to understand. ये तस्वीरों समझने लाय आसान हुई. For example, मिसाल तौर a simple drawing of two men in a canoe. कैनो पुट नंढी बेड़ी माना हू ड्राइंग था कन वो पिक्चर के था मोकिलन एक नंढड़ी बेड़ी में ब मू दैट मीन टू मैन हैड गोन ऑन अ जर्नी बाय कैनो ए ब मू उन कैनो में मतलब ब मू सफर से वही रहा है. राइट पुट ओके कैनो मीन्स नंढड़ी नंढी बेड़ी. ओके सो द नेक्स्ट पिक्चर बी तस्वीर में माइट बी अ मैन होल्डिंग अप फाइव फिंगर्स. एक तस्वीर छा कदा नंढी कैनो होंगी उन मू हूँ वो मू समझी वो माना उनकी जाहिर या उनकी वह लैंग्वेज आ उन पैगाम मोकिलने जो वे आ पुट त माना ब मू नंढी बेड़ी में सफर से वही रहा जर्नी से वरी बी है त होल्डिंग अ फाइव फिंगर्स माना मथे पाँचा ही हथ कर रहा है फाइव फिंगर्स झले बीठा डेखारे रहा है. ओके दिस मीन दैट द जर्नी लास्टेड फाइव डेज वही इन मतलब शायद पुट वो सफर उनको पीह तीन वो सफर वो केतर ढी कर रहा है पुट पीह. ओके दिस इज कॉल्ड पिक्चर राइटिंग इनके सदबो है सदो वो पिक्चर राइटिंग माना तस्वीरी तहरीर. इट वॉज यूज इन मैनी कंट्रीज या इस्तेमाल हुई केतर ही मुल्क में एंड इज स्टिल यूज अना तस्तेमाल टुडे अज तई इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कुछ दुनिया के हिस्सन में दुनिया के कुछ हिस्सन में मैन कुड सेंड मैसेजेस टू ईच अदर मू पैगाम मोकिले एक बेडा सगंदा हुआ एक बेडा. दे कुड आल्सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स वे पिण माना शेन के रिकॉर्ड कर रखी सकता दैट हेड हैपन जे थी चुक हुई ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग पिक्चर राइटिंग चेंज जेका ड्राइंग करे मोकिलो वो तब्दील थी द पिक्चर्स बिकेम ईजियर टू ड्रा तस्वीरों ठाण में तो तमाम सवली हुई बट हार्डर टू अंडरस्टैंड पर समझने लाय समझण में तमाम मुश्किल अनलेस यू नो मगर तुम जानो था व्हाट दे मीन उन मतलब शायद. Here are some examples from ancient China. इतने कुछ माना मिसाल आयन कदीम चाइना का. Now बेटा this symbol sun. Okay. Right? Sun. Okay. So now right beta so now mountain. Okay and this sources right rain means rain. Okay now last right okay child picture writing
way of sending messages. Way of sending messages. Okay. So now, as more and more people, जीअं वधे ऐं वधे माण्हू wrote them, उन्हनि खे लिखियो. These changes, उहे माना तब्दीलियूं, उहे तब्दील थियूं and became even easier to write, ऐं लिखण में तमामु आसान थियूं. The sign for child became dash. Sign for child. Sign for child. Sign for child became write beta and send okay right and the character for mountain became character for mountain became character became right Okay. Mountain. In ancient Egypt, the sign meant water. Ancient, mana kadim misir, the sign chai putre misir, right. Water stood for mouth. Writing the together gave the idea of drinking. Now the means putre he water. हे माना वाट माउथ ठीक है पुट ओके नाउ दे कुड यूज साइंस फॉर आइडियाज ड्रिंकिंग एंड नॉट जस्ट थिंग्स देन उन खां पोइ केम इन अदर बिग स्टेप फॉरवर्ड हिकु वधीक कदम खयो अॻिते द साइन बिगेन टू मेन साउंड वेन डैश वॉज राइटिंग इट मेन द साउंड एन This is what we call a letter. In English, we have 26 letters, which we call the alphabet. Do you know beta? How many letters in English alphabet? 26. Okay. It would take too long to explain how each letter grew into its present shape, but here is one example. The Egyptian word for door was delt, which begins with our sound D. At first they drew a picture like this to denote the door. Later it became simple like this. Then this, then this. The Greeks wrote, Yunani likhantayo, it like this or this. At last the Romans wrote it like this D, which is the letter we use today, D puttahere diso. First, they drew picture this to denote he wari baba. Denote D. First putta, first. Okay.
उन चेंज थी वो पर एट लास्ट आखिरकार रूमन्स रोट इट लाइक दिस डी रूमन्स हाँ है डी जे अडी ते अस इस्तेमाल था क्यों विच इज दी लेटर वी यूज टूडे नाउ पेज नंबर 85 राइट सेंटेंसेस इन आंसर टू दिस क्वेश्चंस इन ईच केस यू विल बी एबल टू यूज वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पैसेज अबाउट चेंजिंग देम Why were men not content with knowing how to speak to each other? They wanted to send messages to others far away. What was one way of sending messages? One way of sending messages was by beating drums. Beating drums. By beating drums. Number second, where is this still? This is still done. This is still done in Africa. How was warning of danger given in many countries? In many countries, tribes were lit at night on fire on hills. Fires were lit at night on a hills. How far could beacons be seen? They could be seen at a great distance. How were smoke signals made? They were made by moving a blanket over a fire. Given another way in which North American Indians sent message, another way of North American Indians drawing pictures. Give the two advantages of picture writing. The two men had gone in journey by beacon. The next picture might a man holding up five fingers. This meant that the journey lasted five days. In what number 8 in what way did picture writing change became easier to draw but harder to understand filling the blank spaces at first sign were used for child later they were used for sun in the end where they were used for mountain very simple beta now 86 page number No. So, beta lesson 16. Our lesson has finished. Tomorrow we will new topic, new lesson. So, thank you so much, and wish you very best of luck.